गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज उबंटू। ओके, आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो मैन था, उसने क्या किया, जो कैंडीज वाली बास्केट थी उसको एक रेड रिबन से टाई किया और बच्चों को अपने पास बुलाया। ठीक है, द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हिम एंड पीप्ड इनटू हिज बास्केट। नाउ आई विल पुट दिस बास्केट अंडर दैट ट्री, ही टोल्ड द चिल्ड्रन। जो बच्चे थे वो उस आदमी के चारों तरफ, क्राउडेड का मतलब भीड़ लगाना, ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने लगा रखी है, उसके चारों तरफ वो भीड़ लगाकर खड़े हो गए। और पीप्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की तरफ देखना, एक्साइटमेंट होना कि इस बास्केट में क्या है, और बहुत ही एक्साइटमेंट से उस बास्केट की तरफ देखने लगे। उसके बाद जो मैन होता है वो क्या कहता है, अब मैं इस बास्केट को उस पेड़ के नीचे रखूंगा, ऐसा उसने बच्चों को बोला। ही फर्दर एक्सप्लेन, उसने आगे उनको क्या बताया, आई एम ड्रॉइंग ए लाइन ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू स्टैंड बिहाइंड दिस लाइन। मैं एक लाइन खींचूंगा ग्राउंड पर, ठीक है, और तुम्हें उस लाइन के पीछे खड़े होना है। व्हेन आई से गो यू हैव टू रन, जब मैं गो बोलूंगा तो तुम्हें रन करना है। द फर्स्ट टू रीच द बास्केट विल विन द कैंडीज, जो सबसे पहले बास्केट के पास पहुंचेगा वही कैंडीज को जीतेगा। हैव यू अंडरस्टूड, क्या तुम्हें समझ आया। द चिल्ड्रन नॉडेड टू से यस, बच्चों ने क्या है, हाँ में गर्दन हिलाई। द मैन सेड वन टू एंड रन, उस आदमी ने क्या बोला, वन टू एंड रन, मतलब कि उन्हें रन करने के लिए बोला उसने। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ स्टूडेंट्स। बट वट हैपेंड आफ्टर दैट वॉज समथिंग द मैन हैड नेवर इमेजिन, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ जो उस आदमी ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था, सोचा नहीं था। ऑल द चिल्ड्रन हेल्ड हैंड्स एंड रन टूवर्ड्स द बास्केट, सब बच्चों ने हाथ पकड़े और उस बास्केट की तरफ दौड़ने लगे। दे रीच्ड द बास्केट टुगेदर, वो सब के सब क्या हैं, बास्केट के पास, क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे के, तो वो सब के सब बास्केट के पास एक साथ पहुंचे। दे शेयर द कैंडीज एंड हैप्पीली एट देम, उन्होंने क्या किया, कैंडीज को आपस में सब बच्चों ने शेयर किया और बहुत खुशी के साथ उन्हें खाया। द मैन वॉज सरप्राइज, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, जो मैन था, वो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ, उसको बहुत हैरानी हुई। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई डिड यू ऑल गो टुगेदर, तुम सब इकट्ठे क्यों गए। द फर्स्ट वन कुड हैव हैड ऑल द कैंडीज, जो पहले पहुंचता उसको सारी कैंडीज मिल सकती थी। आई डिड नॉट से दैट दिस वॉज अ टीम वर्क टास्क, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ये टीम वर्क टास्क है। टीम वर्क टास्क क्या होता बच्चों, जिसमें सब लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, वो क्या होता आपका टीम वर्क होता है। जैसे हमारा फुटबॉल मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, उसमें क्या होती है, पूरी की पूरी टीम होती है, तो जो भी रिजल्ट आता है वो पूरी की पूरी टीम के लिए आता है। तो सेम वे बच्चों ने भी क्या किया, हाथ पकड़ा और उसको क्या बना दिया, एक टीम वर्क बना दिया। तो उस मैन ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा था कि ये एक टीम वर्क है। द चिल्ड्रन लुक्ड सरप्राइज, अब बच्चे भी क्या थे, बहुत ही हैरानी से हैरान हो रहे थे ये सुनकर। फाइनली वन स्पोक, आखिर में एक बोला, हाउ कुड वन ऑफ अस बी हैप्पी व्हेन द अदर्स आर सैड, हम में से एक कैसे खुश हो सकता था अगर दूसरे उदास हो तो। वन ऑफ देम रिप्लाइड, दिस इज उबंटू, द मैन वॉज टच्ड, उनमें से एक ने क्या बोला कि ये क्या है, उबंटू है। जो मैन था, जो इंसान था, जो आदमी था, वो उनकी बात सुनकर क्या हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ, मतलब कि उनकी जो बात थी कि हम में से एक खुश होकर बाकी कैसे खुश हो सकता था अगर बाकी उदास हो तो उसको ये बात बहुत ही उसके मन को छू गई। ही अंडरस्टूड व्हाट द चाइल्ड मेंट, अब वह समझ गया था कि बच्चा क्या कहना चाहता था। इफ वन विंस नॉट एवरीवन इज हैप्पी, अगर एक जीतता तो सब खुश नहीं होते। इफ एवरीवन विंस एवरीवन इज हैप्पी, अगर हम सब जीते हैं तो सब के सब खुश है। ही रियलाइज्ड दैट उबंटू वाज नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीका बट फॉर ऑल ऑफ अस, उसे क्या रियलाइज हुआ कि उबंटू जो वर्ड है वो सिर्फ इन अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं है, वह हम सब के लिए है। सो लेट अस स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव वेयर एवर वी गो, तो हमें जहाँ भी जाएं खुशियाँ फैलानी चाहिए और प्यार फैलाना चाहिए। खुशियाँ फैलाओ और एक दूसरे के साथ प्यार बांटेंगे तो हमें रिटर्न में भी क्या मिलेगा, प्यार और खुशियाँ ही मिलेंगी। तो हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को दुखी करेंगे तो हम भी खुश नहीं हो पाएंगे। सो हैप्पीनेस लाइज इन टुगेदरनेस, खुशियाँ किस में हैं, इकट्ठे मिलकर रहने में हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीट होता है, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।